तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और ये भी अच्छे हैं। हेलो करो, हेलो हेलो करो, हाय करो, हाय हाय। सो अभी कुछ भी नहीं, बस जस्ट नॉर्मल ऐसे मन क्यों और वीडियो बनाने का शूट क्यों। तो इसको कब से मैं सुला रही हूँ, शाम के आई थिंक 5 बज रहे हैं, इसको नींद लगी थी। मैं कब से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो नहीं रहा है। तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं। अब चाय बनाऊंगी, आज थोड़ा नूडल्स खाने का मन है तो आज नूडल्स बनाती हूँ। घर में कुछ भी वैसे सब्जी नहीं है, अभी सब्जी कोई आया नहीं है तो सब्जी कुछ भी लाया हुआ नहीं, तो चलो आज कैसे बनाती हूँ मैं बिना सब्जी के नूडल्स कैसे बनाती हूँ आप लोगों को वो दिखाऊंगी। तो शेयर करते हैं आप लोगों से, अभी फिलहाल चाय बना लेती हूँ। चलो बहुत मस्ती है बाबा, बहुत मस्ती है। प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, और लाइक भी कीजिए। तो अभी जा रही हूँ चाय बनाने, चाय बना के नूडल्स बनाऊंगी। तो नूडल्स कैसे बनाऊंगी मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। अभी चल रही हूँ मैं किचन में, मम्मी हॉल में बैठी है और मैं रूम में इसको सुला रही थी, ये सोया नहीं, तो अभी चलते हैं। तो यहाँ पे हो चुका है दूध गरम, बाबू को भूख लगी थी तो मैंने सोचा दूध थोड़ा सा जो मैंने गरम किया था, और मैं ये दूध इसलिए खुला रखती हूँ क्योंकि दूध मैं सोच रही थी जो साड़ी होती है ना, मैं निकाल कर घर में ही घी निकालती हूँ। यार कौन बाहर से घी लेगा, घी घर में निकालो उसका कुछ अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं चाय बनाने के लिए दूध में जो दूध गर्म करती हूँ उसमें से ही चाय बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सोची दूध निकाल के साड़ी, मतलब साड़ी नहीं हुआ था, थोड़ा हल्का सा पड़ा था, तो मैं सोची दूध निकाल कर और बेबी को पीने के लिए दूध निकाल कर उसके बाद मैं उसमें साड़ी दूध को फ्रिज में रख दूंगी तो एकदम मोटा साड़ी निकलता है, तो कुछ अलग ही होता है। यहाँ पर ये देखो अब मैं उसको फ्रिज में डालूंगी दूध को, थोड़ा सोच रही हूँ बाबू के लिए भी निकालूँ, तो मैं मतलब थोड़ा सा निकाल चु हाँ ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ मैं, यहाँ पे फ्रिज में डाल दिया अब मैंने। अब उसमें चलूँगी चाय पत्ती डाल, देखो एक कटोरी में मैंने बाबू का दूध निकाला हुआ है। अब यहाँ पे गैस चालू करो भाई और उसमें चाय पत्ती डालो, और जो हरा चाय पत्ती मैंने डाला ना चाय में, मतलब सच बताऊँ अदरक इलायची लौंग किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस चाय में चाय की हरी पत्ती डाल दो, जो स्वाद आता है ना क्या बताऊँ मैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और खाना बनने का टाइम हुआ है, और खाना बनाने जा रहे हैं मैं और दीदी मिलके बनाने जा रहे हैं, और देखते हैं आज क्या बनाते हैं। मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी हम क्या बनाने वाले हैं। मैंने बोला था नूडल्स बना के दिखाऊंगी, बट नूडल्स आई थिंक सो बनेगा तो दिखा दूंगी क्योंकि मन था उस टाइम पर, बट अभी नहीं है। तो अभी खाना बनने का टाइम हो गया, और ये देखो बुक लेके आए, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है बस। सो अभी पापा आ चुके हैं, चलते हैं बाहर, मिलते हैं आपसे खाना बनाने के। तो भाई जो रात का खाना है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आज बन रहा है आलू का पराठा, और ये है गोभी की सब्जी, आलू गोभी की, उसमें दाल है। और यहाँ पे ये खुशी देखो पानी पी रही है किचन में, बोली चाची मैं वीडियो शूट कर दूँ, मैंने बोला नहीं तुम अपनी पढ़ाई करो, ठंडा पानी पी रही है देखो आप लोग, एकदम ठंडा कूल पानी पीती फ्रिज में से निकाल के। और वहाँ पे मैंने इडली का मसाला वो ऊपर चावल है नीचे दाल है भिगा दिया है, अब इसको भिगा के रखा, रात को पीसूंगी, रात को पीस के फिर सुबह बना दूंगी। और यहाँ पे इको किचन में खाना बनवा रहे हैं, ये जब भी हम लोग खाना बनाएंगे कुछ भी करेंगे ये किचन में आके ज़रूर बैठ जाते हैं। सो ये हो चुका है आलू मैश, यहाँ पे मैश करने के बाद ये आलू का पराठा आज बनाएंगी दीदी, उन मतलब बना लेती हैं बहुत अच्छा बनाती हैं, वही बनाती हैं तो उनका उनका कुछ अलग ही टेस्ट आता है। और यहाँ पर ये आलू और गोभी की सब्जी मैं बना रही हूँ, अब इसमें डालूंगी मसाला। उसके बाद यहाँ पे सब्जी में टमाटर काट रही हूँ, देखो टमाटर डाला और अब इसको मिक्स करके, मतलब फ्लावर को पापा को ना एकदम जैसा घर जैसा, मतलब बोलते हैं ना एकदम रेड रेड जो हो जाता है ना, जैसे खाने में एकदम कुरकुरा जैसा लगे उनको, वैसा सब्जी पसंद है।
तो यहाँ पे जो मैंने आलू साइड में काटा आप लोग ने देखा है, पापा आ चुके हैं, तो वहाँ पे आलू का पोहा बनेगा। और यहाँ पे मसाला हो गया है रेडी, और इसमें डाल भी दिया मसाला, पूरा मसाला प्योर। फिर उसके बाद सब्जी मसाला हम लोग ये अलग से धनिया मिर्चा पीस के डालने के बाद ऊपर से सब्जी मसाला डलाता है। ये देखो यहाँ पे, तो आप आलू का पराठा था तो यहाँ पे जूस वाली सब्जी बन रही है, तो जूस वाली सब्जी के साथ आलू का पराठा खाने में कुछ अलग ही टेस्ट आता है। तो और यहाँ पे दाल, ये देखो सीटी एक्चुअली ख़राब हो गई है उसकी, दाल फेंक देता है पूरा, क्योंकि और भाई दुकान पे गए, न्यू कुकर लिया, उन्होंने बोला हम गारंटी ले रहे हैं कुछ नहीं होगा, ये होगा, और कुछ ना कुछ कुकर के साथ हो ही जाता है, कभी ना सीटी ख़राब हो जाती है, कभी हैंडल ख़राब हो जाता है। सो यहाँ पे सब्ज़ी में मैंने सारे मसाले डाल दिए, अभी हल्दी वल्दी डालना बाकी है, और अभी पोहा भी बनाना है। उसके बाद यहाँ बनाने जा रही हूँ नाश्ते के लिए पापा को पोहा। तो पोहा में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, पापा को सिंपल बस उनको थोड़ा सा कुरकुरा जैसा होना चाहिए पोहा, तो उनको वैसा अच्छा लगता है। तो वहाँ पे सब्जी पक गई, इस साइड दाल पक रहा है, इस साइड पोहा पक रहा है। ये देखो यहाँ पे पोहे का तड़का लगाई हूँ, तो अभी उसमें मैं ये एक्चुअली बीच वाला जो हैंडल वो टूट गया, क्या पता नहीं कैसे टूटा, वो भी मुझे भी नहीं पता, तो वो कढ़ाई नहीं बैठ रही थी, तो मैंने वो दाल हो गया तो दाल उतार के सब्जी रख दी, क्योंकि सब्जी गिर जाएगी तो जूस सारा गिर जाएगा। यहाँ पे प्याज और मिर्चे का तड़का दिया, अभी जब प्याज रेड हो जाएगा तो उसमें आलू डालेंगे। सब्जी ऑलमोस्ट पक चुकी है, मैंने पानी डाल दिया था अब स्लो करके, थोड़ा मसाला मैंने भून लिया था, आप लोगों ने खुद ही देखा, मसाले को ज़्यादा भून कर डालो तो बहुत। ये दाल में मैं डालने के लिए आम छील रही हूँ, और सब्जी में भी थोड़ा सा डाल दिया, टेस्ट कुछ अलग आता है भाई। पापा को बिना आम के दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, वो आम दाल में आम उनको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे पोहा हो चुका है, देखो मैंने आलू डाल दिया, अब आलू भी रेड हो जाएगा तो पोहा बन जाएगा। सो यहाँ पे दीदी लगा रही हैं आलू जो पराठा बनने वाला है उसका तड़का, वो उन्होंने जीरा डाला है और कड़ी पत्ता डाला है। यहाँ पे मसाले में सिर्फ धनिया मिर्चा और लहसुन है, मतलब कुछ ज़्यादा ही, सच में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, कल मैं आपको बता नहीं सकती। और पोहा यहाँ पे देखो हो गया है रेडी, अब वो एक साइड में वहाँ पे वो पराठे का मसाला तैयार कर रही हूँ, इस साइड में पापा को नाश्ता बना रही हूँ। उसके बाद पापा को खाना देने के बाद फिर वापस रिपीट, वापस हस्बैंड और देवर आते तो उनको नाश्ता बनता है, उनको वापस खाना, मतलब खाने में सिर्फ सब्जी बनती है, चावल डालते हैं, दाल तो बना देते हैं, तो फिर ये, और हमको बच जाता है 11:30-12 बज जाता है। ये देखो आलू पूरा उन्होंने मैश कर दिया अच्छे से, बहुत अच्छा बनाती है आलू का पराठा, उनके हाथ का टेस्ट कुछ अलग आता है भाई। तो यहाँ पे पोहा हो गया रेडी, और यहाँ पे ये मसाला, बीच में सब्जी पक रही है, मैं सब्जी सोच रही हूँ कढ़ाई हटाकर उस बीच में रख के, साइड में रख के, तो देखती हूँ पक गया है कि नहीं आया, ऑलमोस्ट पक ही गया था सब्जी। और पराठा बनाने के लिए आटा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा गीला होना चाहिए तो ही प्रॉपर बनता है, तो ये दीदी ने ही साना है आटा, उन्होंने ही साना है, उनको ही पता चलता, तो वो पराठा बना रही थी तो बहुत अच्छा अच्छा बना। ये देखो यहाँ पे पराठे गोल गोल बन रहे हैं और फूग रहे हैं, क्या टेस्ट आता है, मतलब मुँह में पानी आया होगा ज़रूर देख कर। मतलब आलू का पराठा और दही और अचार के साथ खाओ ना यार, क्या टेस्ट आता है। यहाँ पर तो हम लोग ने सब्जी बना दी थी, क्योंकि दही ज़्यादा कोई खाता नहीं है, सिर्फ पापा खाते और मम्मी दही खाती है, लेकिन उन लोग को नहीं जमता है, तो यहाँ पर ये हमने सब्जी इसलिए जूसली वाली बना दी थी। लेकिन दही के साथ यार आप ज़रूर टेस्ट करना, अचार के साथ में जो टेस्ट आता है ना पराठे का, मतलब गजब है यार, लाजवाब लगता है। यहाँ पे इनका
पराठा बन रहा है गोल गोल और घूमेगा गोल गोल, बनेगा फुगेगा गोल गोल। देखो अभी हमारा खाना था जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया, और वहाँ पराठे फूले जा रहे हैं, पराठे पे पराठे फूले जा रहे हैं। ऐसा मुंह में पानी आया होगा तो बताना जरूर ना, देख के तो किसी को भी मन में। देखो ये खा भी लिए, इसको टेस्ट भी आ गया। अभी हम बाकी हम लास्ट में खाते हैं सबसे, सबको खिलाने के बाद हम एंड में बैठते हैं। दीदी अपने घर में जाके, मैं अपने घर में जाके बैठ के खाते हैं। सब अपने अपने रूम में खाते हैं। और यहाँ पराठा ये हो गया है, यहाँ सब्जी हो गई, ये मसाला है, और यहाँ इसमें सब्जी है। आरो देवर जी आलू का पराठा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बन रहा है आलू का कचौरी, तो वो कचौरी खाएंगे। हम लोग ने पराठा खा लिया। ये देखो ये तेल इसी टाइम पलटी हो गया था, बहुत बहुत भारी रिस्क हुआ था। कल के वीडियो को मैं अभी एंड कर रही हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि रात को टाइम नहीं मिला खाना वाना बना के। कल बहुत बड़ा कांड हो गया सच बताऊँ, उसके लिए और नहीं मिला। जलते जलते मैं और दीदी बच गए। जो कढ़ाई में कचौड़ी छन रही थी वो हम लोग नमक का डब्बा उतार रहे थे, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे थी कढ़ाई और यहाँ नमक का डब्बा हम उतार रहे थे, वो स्लिप होके यहाँ गिरा और तेल पूरा पलटी हो गया। और अरे इतना नसीब अच्छा, हमारी लक इतनी अच्छी थी कि जरा भी कोई जला नहीं, तेल पूरा यहाँ पे गिर गया, पलटी हो गया कढ़ाई पूरा बड़ा वाला, कोई नहीं जला, ना वो जली ना मैं जली, बच गए। इसीलिए वीडियो को नहीं बनाया, एंड नहीं कर पाई, तो वीडियो को अभी एंड कर रही हूँ। और मैं अभी कल जो इडली बनाई भिगाया था मैंने मॉर्निंग में, फिर शाम को मैंने उसको पीसा। मैंने इडली में मैं पोहा भी डाल देती हूँ भिगा कर, उसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है, फूग कर आता है। तो यहाँ पे इडली रखा है इसमें, और दो इडली मैंने आई थी यहाँ पे, ये देखो छोटे छोटे बनाए, ये तो साइड से टूट गया, छोटे छोटे बनाए ये। सो अभी ये इडली बन गई है, और मेरी चटनी आई थिंक यहीं कही है, ये रही मेरी ये चटनी, ये इडली की चटनी है। और हमारा खाना बना है, यहाँ पे दाल है, ये दूध, ये सब्जी है, भुजिया सब्जी है, और इसमें मम्मी के लिए मम्मी तीखा नहीं खाती, उनके लिए अलग से चटनी निकाला है। और यहाँ पे बाबू का दूध है, ये कचौरी रात की जो एंड में हमने बचाया था, और ये रही भिंडी की सब्जी, इसमें रोटी। हमारा यही खाना है। सुबह एक बार पापा को टिफिन बनता है, सब्जी बनती है, भैया जेठ जी और पापा जाते हैं, फिर दो आई थिंक 8 बजे के आसपास देवर जी और हस्बैंड जी उठते हैं, उनको फिर टिफिन अलग से बनता है, उनको नाश्ता अलग से बनता है, तो वो खाते हैं। फिर हम लोग फ्रेश होते हैं, अभी बज रहे हैं 9:30, जो कि हम नहाए नहीं हैं अभी, ना मंजन की कुछ भी नहीं, मुँह में कुछ डाला तक नहीं है, फटाफट सारा काम कर लिया। अभी इडली का इतना पेस्ट बचा है, इडली बनाने के लिए बची हुई है। सो ये वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ढेर सारा आप लोगों का प्यार दीजिए। तो ये वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मुझे प्लीज़ बताइए मैं वीडियोस कैसा बनाऊँ, क्या डालूँ। सो आप लोग बताओगे कमेंट में तो मुझे समझेगा, तो मुझे आइडिया आएगा। चलो बाय।